गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के मेंटर जो हमेशा से ही काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं टीम के साथ भावनाओं के चलते और टीम की रणनीतियों के चलते भी। जब टीम की हुई है यहां से एग्जिट लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल के सीजन से, उसके ऊपर क्या कहा है गौतम गंभीर ने बताएंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आप मैं हूँ आपके साथ लक्ष्य। बता दिया जाए गौतम गंभीर आईपीएल के इतिहास शुरुआत इन्होंने की थी अपने करियर की दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए, उसके बाद कप्तान बने कोलकाता नाइट राइडर्स के, जहां पे केकेआर को 2012-2014 दो सीजन में ट्रॉफी भी दिलवाई थी। उसके बाद वापस आते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में, वहां पे 2018 में एक बेहद खराब परफॉर्मेंस आती है गौतम गंभीर की तरफ से और उसके बाद वो ले लेते हैं संन्यास। लेकिन 2022 का आईपीएल सीजन जहां पे गौतम गंभीर जुड़े थे बतौर मेंटर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ, वहां पे हमने देखा गौतम गंभीर पहले मुकाबले से लेके आखिरी एलिमिनेटर मुकाबले तक हर एक मुकाबले में हमें नजर आते थे टीम के डगआउट में, जहां पे टीम के साथ इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्टेड नजर आते थे। हमने वहां फंसे हुए मुकाबले भी देखे, जब फंसे हुए मुकाबलों में से टीम जीती थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, वहां गौतम गंभीर से ज्यादा खुश और मोटिवेटेड शायद हमें कोई दिखता नहीं था उस पूरे के पूरे डगआउट में। भला वो बात तो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट की, गौतम गंभीर और केएल राहुल कप्तान की रणनीतियां बनाने की, हमेशा से ही गौतम गंभीर हमें वहां पे आगे दिखे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। बतौर मेंटर होना भी चाहिए हर एक खिलाड़ी को और हर एक मेंटर को। साथ ही मैं आपको बता दिया जाए गौतम गंभीर इस सीजन में काफी खिलाड़ियों को भी तराश के लाए, जहां बता दिया जाए आयुष बदोनी जो शुरुआत में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करके दिखाई उन्होंने, गौतम गंभीर ही आयुष बदोनी को ढूंढ के लाने के श्रेय में माने जाते हैं अगर सूत्रों की रिपोर्ट माने तो। लेकिन आज हमने देखा था जब लखनऊ सुपर जायंट्स को मिली है यार और पहली ट्रॉफी जीतने का सपना यहां पे चकनाचूर हो गया था, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें 14 रनों से एलिमिनेटर में शिकस्त दिखाई। उसके बाद आपको बता दिया जाए गौतम गंभीर का रिएक्शन काफी वायरल हो रहा था, जो गौतम गंभीर काफी ज्यादा उदास थे, जो कि होना भी चाहिए अगर आपकी टीम एलिमिनेटर तक आके वहां से बाहर निकल जाए, हर एक खिलाड़ी हर एक मेंटर जरूर उस बात से उदास होगा। बाद में हमने देखा गौतम गंभीर केएल राहुल वहां पे काफी सीरियस और लंबी डिस्कशन में दूसरे से बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने दिया है अपना बयान, जहां गौतम गंभीर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के चलते खत्म किया इस आईपीएल सीजन को लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। उन्होंने उस पोस्ट के अंदर जिस तरह मेरे पीछे देख सकते हैं एक बात साफ साफ कही, हार्ड लक टुडे वील कम बैक स्ट्रॉन्गर अंटिल वी मीट अगेन, ये बात कही। और साथ ही में यहाँ गौतम गंभीर ने धन्यवाद किया अपने फैंस का जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को सपोर्ट किया इस पूरे सीजन में। लेकिन जिस सोच के खिलाड़ी माने जाते हैं, जिस जज्बे के खिलाड़ी माने जाते हैं गौतम गंभीर, भला वो 2011 की 97 रन की पारी हो वर्ल्ड कप के फाइनल में या 2007 के T20 विश्व कप के फाइनल में एक शानदार परफॉर्मेंस गौतम गंभीर के बल्ले से, हमेशा क्रूशियल मुकाबलों में अच्छा खेला था भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। अब देखना होगा जब इस सीजन में एलिमिनेटर से बाहर गई है तो मेंटर गौतम गंभीर की लखनऊ सुपर जायंट्स अगले सीजन में किस तरह से करेगी वापसी, किस तरह से करेगी परफॉर्म, उस पर रहेंगी नजरें। लेकिन इस जज्बे को जो उन्होंने दिखाया लखनऊ सुपर जायंट्स को मेंटर करते हुए, उसे हमारा भी है सलाम। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। लखनऊ सुपर जायंट्स का या आईपीएल का सीजन आपको किस तरह से लगा कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय, साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताजा अपडेट, वो भी सबसे पहले।